संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इन रोगों के उपचार के लिए स्वास्थ्य विभाग की कार्य योजना को सख्ती से लागू किया जाए। जिलाधिकारी आज देर शाम अपने कार्यालय में इस संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिलाधिकारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अवगत कराया कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 19 अक्टूबर से 17 नवंबर 2021 तक चलाया जाएगा। उन्होंने इस अभियान के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की प्रगति से भी अवगत कराया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी चंद्रमोहन गर्ग, अपर जिलाधिकारी प्रशासन वीके सिंह, अपर नगर आयुक्त, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया है कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में और प्रगति लाने की जरूरत है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान में रुचि लेते हुए अपने दायित्व को पूर्ण करें। उन्होंने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए कि संचारी रोग व वैक्सीनेशन कार्यों में आंगनवाड़ी अपना पूर्ण सहयोग दे। यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यों में सहयोग ना करे तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उन्होंने निर्देश दिए हैं कि विद्यालय के एक अध्यापक को नोडल बनाएं और बच्चों के माध्यम से जागरूक करने का अभियान चलाएं। उन्होंने सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि आशाओं के मानदेय का भुगतान 100% किया जाए। उन्होंने पंचायती विभाग को भी निर्देश दिए हैं कि जिन हैंडपंपों के चबूतरे टूटे हैं उन्हें ठीक कराया जाए ताकि पानी ना रुके और झाड़ियों तथा नालियां साफ करवाई जाएं। जिलाधिकारी ने कहा कि आशा व एएनएम आंगनवाड़ियों का सहयोग लेते हुए घरों में ठहरे हुए पानी को निकलवाने के लिए लोगों को जागरूक करें कि कहीं पर पानी जमा नहीं होना चाहिए। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि जिन नगर पंचायतों में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति कम है उन नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों के साथ बैठक कर 1 माह के अंदर निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण कराया जाए। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बैंकों के जिला समन्वयक के साथ साप्ताहिक बैठक करें। यदि कोई बैंक की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में गति नहीं ला पा रहा है तो उन बैंकों के जिला समन्वयक को जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक के साथ उपस्थित हों। अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्ट्रीट्स वेंडरों के आवेदनों की संख्या को बढ़ाएं। आज नगर पालिका परिषद बहेड़ी द्वारा दीपावली मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे छात्र व छात्राओं को सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया व उनका हौसला बढ़ाया और कहा कि बहेड़ी के छात्र छात्राओं में इतनी प्रतिभा है कि वे बहेड़ी का नाम प्रदेश व देश में रोशन कर सकते। और ये भी कहा कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा भारतीय नाट्य अकेडमी व लखनऊ नाट्य स्कूल व दिल्ली ड्रामा स्कूल में जाना चाहते हैं तो मैं ऐसे बच्चों की हर संभव मदद के लिए तैयार हूँ। इस मौके पर सपा नेता नसीब अहमद के साथ परवेज सेठ, शेर मोहम्मद, जाहिद मौलाना, इकरार भाई, कमाल अंसारी, जुबैर मंसूरी, नफीस अंसारी, अर्गुन साबिर, चौधरी कुलदीप सिंह, चौधरी नितेंद्र सिंह, चौधरी रवि गिल, चौधरी अनुराग सिंह, भूपेंद्र गंगवार आदि लोग मौजूद रहे। कैदियों की समस्याओं का निस्तारण नियमानुसार किया जाए जिलाधिकारी। जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवार ने आज केंद्रीय कारागार का निरीक्षण किया। उन्होंने काष्ठ कला उद्योग, चिकित्सालय नियंत्रण कक्ष, पीसीओ कक्ष आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय कक्ष में मरीज बंदियों की हालचाल पूछे। उन्होंने बंदियों की समस्याओं को सुना और वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देश दिए हैं कि कैदियों की समस्याओं का निस्तारण नियमानुसार किया जाए। बिशारतगंज में चोरों का आतंक, दुकान की दीवार काटकर किया हाथ साफ। बिशारतगंज में आज की रात 2 जगह चोरी की घटनाएं सामने आई हैं। एक की दीवार काटकर तो दूसरा धर्म कांटे के ताले तोड़कर किया हाथ साफ। हिमांशु साहू ने बताया कि बिशारतगंज में भिंडौरा रोड पर वह खाद व पशु आहार की दुकान चलाते हैं। मार्केट के लोगों से सुबह 6 बजे पता चला तो आके देखा कि एक साइड से मशीन द्वारा दीवार काटी गई है। काउंटर में कुछ नकदी लगभग 70-80 हजार रुपए रखे थे जिस पर चोरों ने अपना हाथ साफ कर लिया। अज्ञात चोरों के खिलाफ थाना बिशारतगंज में तहरीर दे दी गई है। इससे पहले भी एक बार और चोरी हो चुकी है। कोतवाल ने आकर मुआयना किया और आश्वासन दिया है कि जल्द खुलासा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ रामपुरा अलीगंज रोड पर स्थित खान धर्मकांटा के भी ताले तोड़कर चोरी की गई है। धर्मकांटा स्वामी आलिम खान ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में 2 चोर साफ नजर आ रहे हैं। लगभग 10-12 हजार रुपए नगद रखे थे जो दोनों चोर ले गए हैं। बिशारतगंज थाना प्रभारी ने बताया कि कस्बे में 2 जगह चोरी की सूचना मिली है। धर्मकांटे में से तो कुछ गया नहीं है, दूसरी दुकान में भी चोरी हुई है। हम लोग गए थे, जाँच चल रही है। रात चोरी हुई, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। सुबह 6 बजे यहाँ मार्केट से फोन आया लोगों का, मैं यहाँ आया तो देखा दुकान मतलब दीवार तोड़ी गई है, उसमें लोग दाखिल हुए हैं और अंदर एक दीवार और तोड़ने के बाद काउंटर पे जो नकदी वगैरह थी उस पर हाथ साफ कर दिया। लगभग कितने रुपए का आपका माल गया? 50-60 हजार के आसपास नकदी थी, चिल्लर के रूप में और टूटे नोटों के रूप में। अच्छा, उसके बाद आप कुछ अनाज भी यहाँ से गया गोदाम से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर आपने तहरीर दी? हाँ, तहरीर दी। तो अज्ञात में दी तहरीर, नामदर्ज? नहीं, अज्ञात में दी। अज्ञात कोतवाल साहब आए थे। समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड प्रदेश सदस्य बनने पर शादाब खान एडवोकेट का आज दिनांक
30 अक्टूबर 2021 को पहली बार बरेली में आगमन पर तहसील परिसर बहेड़ी व अन्य जगहों पर जोरदार स्वागत किया गया। बहेड़ी तहसील के पूर्व बार अध्यक्ष श्री मजहर मोहसिन एडवोकेट, वरिष्ठ अधिवक्ता इस्लाम अहमद एडवोकेट, इरशाद अहमद एडवोकेट, मिठाई लाल एडवोकेट, रीतराम मौर्य एडवोकेट, राजेंद्र मौर्य एडवोकेट, शिवशंकर एडवोकेट, अनिल बाबू एडवोकेट, केसर कुमार एडवोकेट, रामेंद्र कश्यप एडवोकेट, आहार अली खान एडवोकेट, अफसार एडवोकेट, मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट, मोहम्मद सोहिल एडवोकेट, धर्मपाल एडवोकेट, अरशद एडवोकेट आदि अधिवक्ताओं ने जोरदार फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया।